हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। मऊ मजमाही अपराध और उनके खातिर युवा का नशा में ढोसे वाले जिम्मेवार तस्करन के सफाया खातिर मऊगंज SDOP नवीन दुबे औत अपन मनसा बताए दिए रहे हम। एक साथ है नगर माही ट्रैफिक व्यवस्था का दुरुस्त करे खातिर सड़क में जाम लगावे वाले का घलाए सचेत करें। एक खातिर वज्र वाहन के साथ है लाव लश्कर लेके सांझ के सड़के माही फ्लैग मार्च करें, जोने के बाद बदमाशन माही खौफ दिखान। मऊगंज SDOP श्री दुबे हाका अभियान चलाए के सचेत करें कि सड़क में जाम लगवावे वाले का कहुनो सूरत में बख्शा न जाए। बुलेटिन की अगली खबर सिगरौली से है, जहां जिला के NCL के बीना कोयला खदान के एक्सवेशन वर्कशॉप के टायर सेक्शन में ही सम्मार का आगी लग गए। एक कारण वर्कशॉप में रखा टायर मशीन के साथ है दूसरा सामान जलेगा। पौने 3 घंटा के मेहनत के बाद फायर विंग कर्मचारी आगी में काबू पा सके। NCL के जनसंपर्क अधिकारी राम विजय सिंह बताएं कि घटना में ही सैकड़न पुरान टायर स्क्रैप ग्रेडर डंपर जरिए हम। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां दुपक्ष में लड़ाई भय। लड़ाई में ही युवक से जब दूसरा पक्ष जीत नहीं पाए तब पथरा पटक के हत्या करने की कोशिश करें। मारपीट में अरुण कुमार घायल हुई के हम। यह घटना चुराटा थाना के सोनरा गांव में भई ही। घायल अरुण कुमार गौतम का इलाज खातिर संजय गांधी अस्पताल पहुंचावा गा। ये कहां के रहने वाले थे? ये भैया बैजनाथ के रहने वाले हैं और ये ड्यूटी से आ रहे थे तो उतने में क्या नाम है कि ये रोहणी सिंह भदौरिया और ये क्या नाम है उसके परिवार चार छह लोग उनके ये उनके वो मामला ये है कि कोई अरुण मिश्रा है, अरुण मिश्रा पिताजी का नाम है राम रंगील मिश्रा जी, जो 56 वर्ष के हैं, जो मार्टा टेक के कुछ कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड उनको लेके आए थे। उनका कहना ये है कि जो वो फैक्ट्री से निकल रहे थे बाहर आए हैं तो कुछ दूरी में जाकर 3-4 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया चरक से और मतलब सर के ऊपर भी पत्थर पड़का, छाती पर 2-3 बार पत्थर पड़का उतारे हैं और इस कंडीशन में वो यहाँ लेके आए। यहाँ पर चिकित्सकों ने जाँच की है, जाँच करने पर उनको मृत घोषित कर दिया है ना, उनके सबको पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है सुबह पोस्टमार्टम रूम पर और उसके बाद ही अभी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां जिला के तिहाई गांव माही त्रिदंडी स्वामी महाराज के आश्रम में त्रिदंडी स्वामी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर माही पीठाधीश्वर अनंत विभूषित जगत गुरु रोहनीश्वर प्रपन्नाचार्य महाराज के सानिध्य में सामूहिक भंडारा के आयोजन कीनगा, जोने माही बनारस अयोध्या प्रयागराज सागवारा से आए संत पूजा अर्चना कई के त्रिदंडी स्वामी के शुद्ध करी। उचित नहीं है इसलिए कि जिसके लिए किया जा रहा हूँ देश की पूर्ति न हो। सतना के कोटर थाना के करही खुर्दमा भयानक आगी लग गए। अपना का बताए कि आगी इतनी तेज रही कि आगी बुझावे आई फायर ब्रिगेड घलाए जारी गए। फायर ब्रिगेड के ड्राइवर का प्राथमिक इलाज खातिर केंद्र कोटर में भेजा गया है। खबर रीवा से है, जहां 80% अग्रिम भुगतान करवावे के लाने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रीवा कलेक्टर का ज्ञापन दिन, जोने बताएं कि फीस के प्रतिपूर्ति साल 2020-21 और 21-22 खातिर RTE के प्रपोजल आखिरी तिथि 15 मई 2022 तक हबे और इस समय स्कूलन माही बच्चन के हाजिरी मात्र 10-15% हबे। ऐसे में ही जानकारी ऑनलाइन करे में
तकनीकी समस्या हो रही है। साथ ही छात्रन के आधार सत्यापन के काम 15 दिन से बंद पड़ा है। पीसी जिला रीवा को आयुक्त राज शिक्षा केंद्र भोपाल के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। वर्ष 2020-21 और 21-22 की फीस प्रकूद का प्रपोजल बनाने का काम चल रहा है। 15 दिन से पोर्टल बंद है, आधार सत्यापन नहीं हो रहा है। अभी 16 तारीख लास्ट डेट थी तो डेट बढ़ा करके 15 मई कर दिए हैं। लगभग स्कूलें बंद होने के कगार पर हैं, बच्चों का स्कूल आना बंद है। अगर आधार सत्यापन का कार्य मई एवं जून में होगा तो बच्चे कहाँ से प्राप्त मिलेंगे? जब बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तो आधार सत्यापन कैसे होगा? हमने आयुक्त महोदय से संपर्क किया तो बताया गया कि हम एक अलग पोर्टल बना रहे हैं भुगतान के लिए, शायद मई उई तक बन जाएगा। जब मई तक बनेगा तो बच्चों के आधार सत्यापन का कार्य जुलाई अगस्त तक पूरा होगा और फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान लगभग 2 महीने बाद और होगा। तो आज हम लोग इस बात का ज्ञापन देने आए हैं कि ठीक है, आप अपना कार्य करते रहो, मुझे वर्ष 2020-21 और 21-22 का 80% भुगतान एडवांस के रूप में दे दो और आप अपना कार्य करते रहो, जब चाहेंगे तब हम सत्यापन करवा देंगे। क्या नाम है आपका? आर.के. शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रीवा मध्य प्रदेश। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।